अगे वधदे गल किसानां दी। किसानां दे मुद्दे ते बुधवार नूं सड़क तों संसद तक संग्राम दीआं तस्वीरां सामने आईआं। चंडीगढ़ च कांग्रेस ने सड़कां ते नितर के रोस जाहर कीता। इस दौरान कांग्रेसी वर्करां नूं पुलिस दी सख्ताई दा सामना भी करना पिया। पंजाब च किसानां दे मुद्दे ते सियासत रोक नहीं रही है। हुण पंजाब कांग्रेस दी किसान खेत मजदूर सैल ने किसानां दे कणक दी अदायगी दे मुद्दे ते प्रदर्शन कीता। कांग्रेस भुगतान चोरी देरी दे लई सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया। किसानां दी कणक दी फसल बादलां ने लै ली है, लेकिन सरकार उन्हां नूं पेमेंट नहीं कर रही। जदों तक पेमेंट नहीं कर देंदे उदों तक किसान ते खेत मजदूर दी लड़ाई कांग्रेस लड़दी रहेगी। किसानों के मुद्दे से चंडीगढ़ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर का घेराव किया तो उन्होंने पुलिस का एक्शन हो गया। कांग्रेसियों ते पुलिस ने जम के लाठियां वराईया। कांग्रेसियों को खदेड़न के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। किसान पंजाब के मजदूर वास्ते लड़न नूं तैयार है, मरन नूं तैयार है। जिस तरह सरकार या पुलिस करेगी ऐसी उसी तरह नाल पुलिस के साथ ही लड़ना है हमने। जब सरकार लड़ेगी हमें मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है। कांग्रेसी वर्करा ने पुलिस की कार्रवाई से सवाल चुके। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके ना चल रहा है। उस तो बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुनीत परिंजा के नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। राज्यसभा विच कांग्रेस दे एमपी प्रताप सिंह बाजवा ने किसानां दी खुदकुशी दे आंकड़े रखते हुए पंजाब दे किसान दा दुखड़ा सुनाया। उन्हां कहा कि सूबे च लंघे 3 महीनियां विच 56 किसान खुदकुशी कर चुके ने। उन्हां सदन च कहा कि पंजाब दे किसान नूं खुशहाल समझण दी गलत फहमी नूं दूर करन दी लोड़ है। साल के पहले 3 महीने में 56 किसानों ने आत्महत्या की है पंजाब में। पिछले साल 2015 में 450 किसान ने 450 पंजाब कांग्रेस के नेता ने केंद्र तो मांग की है कि पंजाब के किसान का कर्जा माफ करने की लोड़ है। उन्होंने इस दे लई केंद्र नूं अपील करते हुए साबका यूपीए सरकार के कार्यकाल विच देश भर के किसानों का कर्जा माफ करने का उदाहरण भी दिता। हमारा कर्जा है तकरीबन 69,000 करोड़ रुपीज। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक दफा कृपा कर पंजाब के किसान जो है उसका कर्जा माफ करना होगा। उधर अकाली दल की सहयोगी बीजेपी ने किसानों की खुदकुशी के मसले से कांग्रेस की फिक्र झूठा करार दिता है। श्वेत मलिक की मनिए तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए जड़िया कोशिशा कीतिया ने उन्हों का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस छज ते बोले छाननी बोलती है जिसे 1000 छेद है। कांग्रेस कदों तो किसानों की तैशी हो गई है। जिहड़ा कि पहले सिर्फ नारे लगते थे, पहले सिर्फ गुमराह किया जाता सी किसानों नूं। यह पहली सरकार है जिन्हें किसानों का सोचा। अम्मी रतन कमीशन की रिपोर्ट लागू करे कोई भी सरकार हो, लेकिन कांग्रेस तो मैं सिर्फ इन्ना पूछना चाहना कि उन्होंने इन्नी दल सरकार रही, उन्होंने कोई भी ऐसा कदम चुकया सेंटर ने जिदे नाल कोई किसानों फायदा होया हो, खास करके पंजाब के किसान। पंजाब च आउंदियां विधानसभा चोणां नूं मद्देनजर रखदे होए विरोधी धिर किसानां दे मुद्दे नूं कैश करन दी कोशिश च ने। इही वजह कि आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस नित दिन किसानां दे मुद्दे ते सत्ता पक्ष नूं घेरन दी कोशिश विच लगे रहिंदे ने। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।